वेलकम टू एसएससी मेघा। आज 28 जून 2021 और 28 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है हम अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से और मोटिवेशनल कोट के साथ में करते हैं, तो भी देख लेते हैं आज का कोट क्या कहता है। आज का कोट है, जितना सोचते हैं उससे हमेशा ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बात कही गई है। हम अपने लाइफ में जो अचीव करने का सोचते हैं ना, हमें हमेशा उससे ऊपर का सोचना चाहिए, तब जाके हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप सब लोग इस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे और अच्छे से अच्छे अपने फोकस रहेंगे अपने गोल के ऊपर। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ साइंस का, तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो भाई जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर की बात की जाए तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट दिए हुए हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊं मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप सब लोग इस ई बुक को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 2021 तक चालू किया जाना है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, आई एन एस विक्रांत इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। साथ में मैं आपको इसके बारे में बता दूं, केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने ऐसा बताया है। कौन है केंद्रीय रक्षा मंत्री जी? राजनाथ सिंह जी हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि भाई भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को हाल फिलहाल में चालू करने की बात की जा रही है। ठीक है, और अगर मैं आपको बात बताऊं अभी फिलहाल प्रेजेंट में इसका नाम क्या है, प्रेजेंट में है ISC 1। ठीक है, अगर ये जब ये स्टार्ट हो जाएगा इसको पहले विमान के वाहक की याद में INS विक्रांत के रूप का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, INS विक्रांत हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहा है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है रस्किन बॉन्ड के पहले उपन्यास का नाम क्या था। अच्छा, एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भाई, आज की वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली PDF आप लोग को मिल जाती है करंट अफेयर्स की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। रस्किन बॉन्ड के पहले उपन्यास का नाम पूछा है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर है द रूम ऑन द रूफ। फर्स्ट उपन्यास, फर्स्ट नॉवल उनकी पूछी है। तो हाल फिलहाल में इसका जिक्र क्यों आया, हाल फिलहाल में इसका जिक्र इसलिए आया क्योंकि रस्किन बॉन्ड के द्वारा एक और बुक को हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट बुक उनकी कौन सी है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो ये नाम आपको याद रखना है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ किनकी बुक है, रस्किन बॉन्ड की है। और उनकी फर्स्ट नॉवल जो है वो कौन सी है, वो है उनकी द रूम ऑन द रूफ। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है आप लोगों का, सांगली जिला किस राज्य से संबंधित है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। हाल फिलहाल में सुर्खियों में क्यों है, अच्छा आप लोगों ने एक फ्रूट सुना होगा, कौन सा, ड्रैगन फ्रूट। ठीक है, पिंक कलर का होता है ड्रैगन फ्रूट, अंदर से व्हाइट और व्हाइट कलर के उसके सीड्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाइट और ब्लैक कलर के उसमें पल्प टाइप का होता है ड्रैगन फ्रूट, मेरे ख्याल से सबने सुना ही होगा। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। इन सुर्खियों में क्यों है मैं आपको बता दूं, फाइबर और खनिजों से भरपूर ड्रैगन फ्रूट की पहली खेप हाल फिलहाल में दुबई के लिए निर्यात की गई है। ठीक है, भारत में इस ड्रैगन फ्रूट को कमलम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है कि कमलम के नाम से किस फ्रूट को जाना जाता है, तो आपको बताना है ड्रैगन फ्रूट को। हाल फिलहाल में ड्रैगन फ्रूट को दुबई के लिए निर्यात किया गया है। साथ में मैं आपको बताऊं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई निर्यात के लिए जो ड्रैगन फ्रूट की एक खेप है ना, एक कंसाइनमेंट भेजा गया है, वो महाराष्ट्र के सांगली जिले के
ताडासर गांव के किसानों से मंगाई गई थी। तो ये थोड़ा सा नाम आपको ज्योग्राफिकल वे में याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सांगली डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र में आता है और ये आपको पता होना चाहिए, ड्रैगन फ्रूट वहाँ का फेमस है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो ये है किससे रिलेटेड, ये है अम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों का। NCB के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के फुल फॉर्म है, सबको पता होना चाहिए। और पंकज त्रिपाठी जी को हाल फिलहाल में इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब सब लोगों को ना ड्रग्स से दूर रहने के लिए बनाए गए मैसेज में पंकज त्रिपाठी की आवाज़ सुनाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो वहाँ की जो भी चीज़ें प्रमोशन के लिए होंगी तो ऑब्वियसली उनमें उनका नाम होगा, उनमें उनका जिक्र होगा, उनमें उनका काम होगा, ठीक है। तो हमें देखने को मिलेगा NCB से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस के कैंपेन या स्लोगन्स आएंगे तो वो पंकज त्रिपाठी जी की वॉइस में अनाउंस किए जाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, NCB अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा ना, क्यों रहा आप बता दीजिएगा, किस पर्सनालिटी के लिए NCB बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आप लोगों को, उस बहुत अच्छी बहुत ही मतलब सुपरस्टार थे एक वो, ठीक है, उन्होंने सुसाइड कर ली थी इस चक्कर में, तो अब तो आपको पता ही चल गया होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है शूटिंग। जी हाँ, शूटिंग इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। साथ में मैं आप लोग को बता दूं, हाल फिलहाल में ना शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया। साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं, भारतीय निशानेबाजी ये जाने जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बात बताऊं, ISSF विश्व कप 2021 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल की शूटिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता, ठीक है। 19 साल के सौरभ चौधरी ने फाइनल में 220 रन बनाकर तीसरा स्थान भी हासिल किया, तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ इनकी एज 19 साल की है, उसमें इन्होंने तीसरा स्थान बना लिया अपना। 220 रन थे इनके और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न है आप लोगों का डे से रिलेटेड। तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या कहता है, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल डैश जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है 27th of June, 27 जून इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगर मैं आपको बात बताऊं, 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 74वीं बैठक में इस दिन को MSME दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि MSME सतत विकास लक्ष्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 27 जून को इंटरनेशनल MSME डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय MSME डे मनाया जाता है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न के। अच्छा, MSME की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। 7th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, निम्न में से कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है साजन प्रकाश। जी हाँ, साजन प्रकाश इसका करेक्ट आंसर है। स्पोर्ट्स में आप लोग देख रहे हैं, हमारा जो इंडिया है, हमारी प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है। हमारे जो इंडिया के प्लेयर है ना, बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दे रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो स्पोर्ट्स में तो डेफिनेटली हम लोग बहुत आगे निकल ही रहे हैं। चलिए अगर इनके बारे में हम लोग बात करें, साजन प्रकाश आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए स्विमिंग से ये रिलेटेड है। चलिए अगर मैं आपको बात बताऊं, साजन ने रोम में सेटेकोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1:56 का समय निकालकर यह उपलब्धि हासिल की। बटरफ्लाई एक स्ट्रोक होता है स्विमिंग में, जिनको स्विमिंग आती होगी उनको पता होगा बटरफ्लाई टाइप होता है, ठीक है। तो उस वाले स्ट्रोक में इन्होंने 1 मिनट में 56.38 का समय निकालकर
एक उपलब्धि ये हासिल करी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये केरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, साउथ इंडियन प्लेयर हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण पदक 3 रजत पदक भी इन्होंने जीते थे। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है साजन प्रकाश। मूव करते हैं आज के 8th क्वेश्चन की साइड। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कितने साल हाल ही में पूरे हुए हैं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है 6 साल। 6 साल हाल फिलहाल में 3 योजनाओं को पूरे हुए हैं। मैं बता दूँ कौन कौन सी, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून को स्मार्ट सिटी मिशन, एक तो ठीक है, एक अमृत मिशन, और साथ में तीसरा कौन सा है, तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ठीक है, इन तीनों योजनाओं में 3 शहरी मिशनों के लॉन्च को 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। चलिए, अगर मैं आपको बात बताऊं, इन योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 जून 2015 को की थी, और अगर मैं आपको बात बताऊं, ये योजनाएं शहरी कायाकल्प के दूरदर्शी एजेंडे का भी हिस्सा थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 6 साल। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो भाई अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत का स्थान है कौन सा, भारत का स्थान है 4th। चलिए मैं आपको बता दूं, पहले स्थान पर कौन सी कंट्री है, पहले स्थान पर है चीन। चलिए साथ में मैं आपको बता दूं, 18 जून को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.148 अरब डॉलर की कमी के साथ में, और मतलब 603.993 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। साथ में इस साल 4th नंबर पर हमारी प्यारी कंट्री रही है। फर्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट नंबर पर है चीन। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। अंतिम प्रश्न की अगर हम लोग बात करें, तो भाई अंतिम प्रश्न है, डैश ने US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंड टेबल को संबोधित किया। तो यहाँ पर अगर मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊँ, निर्मला सीतारमन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। साथ में अगर मैं आपको बात बताऊँ, इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निरंतर सुधार भारत को व्यापार करने के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमन। हाँ, तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमन। चलिए फटाफट से कल का क्विक रिवीजन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सर्बिया के बाजार में भारतीय आलू, प्याज और अनार के लिए अपना बाजार खोल दिया है, बहुत अच्छी बात है। साथ में मैं आपको बताऊँ, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट दिल्ली IIT के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, केरल ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। अच्छा, कितने मेंबर्स की समिति है, मेंबर्स के नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। चलिए, मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया है। साथ में अगर मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ISAFA भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ है। तो आई होप सब लोगों का अच्छे तरीके से क्विक रिवीजन हो गया हो। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कल के प्रश्न की। तो कल का प्रश्न था आप लोगों का, किसने अपने टिप जार फीचर के लिए पहले भुगतान ऑपरेटर रेजर पे के साथ में साझेदारी की है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है ट्विटर इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट से आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। आज का क्वेश्चन है, पिनाका रॉकेट किस देश से संबंधित है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और हाँ, वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है, वीडियो के लाइक का टारगेट है 2500+ लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। अच्छा,
पीडीएफ के लिए मैं आप लोग को बता दूं भाई, पीडीएफ ना आप लोग को टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाती है, प्लीज़ करके वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का ग्रुप। वो टेलीग्राम के ग्रुप में ना डेली क्विज भी होता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक।